एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रेमिका को पीट पीट कर मार डाला, शिवसेना की आज फिर हुई बैठक, वाहन चालकों पर कार्रवाई। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बिलासपुर में लिव इन में एक महीने रहने के बाद युवक ने पीट पीट कर अपनी प्रेमिका को मार डाला। इसके बाद लड़की के परिजनों को बीमारी से मौत होने की कहानी सुना दी। परिजन को उसके बात पर भरोसा नहीं हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का राज खुला, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खास बात यह है कि परिजन दोनों के रिश्तों को लेकर तैयार थे, उनकी एक दो महीने बाद शादी भी होने वाली थी। मामला कोटा थाना क्षेत्र का है। अनिकेत ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि गांव में गणेश उत्सव चल रहा था, जहां डीजे में नाचने की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था। दरअसल अनिकेत ने उसे अपने साथ नाचने के लिए कहा, तब सविता ने मना कर दिया। इसके बाद दोनों घर आ गए, फिर अनिकेत ने उसकी पिटाई कर दी। मुक्के के वार से सविता अचानक बेहोश हो गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बेलगहना चौकी क्षेत्र ग्राम रहने वाला अनिकेत कोल मनेन्द्रगढ़ जिले के कठौतिया निवासी सविता कोल से शादी करना चाहता था। एक दो महीने बाद उनकी शादी भी होने वाली थी। अगस्त महीने में अनिकेत कठौतिया गांव में मेहमानी में गया था, तब वह अपनी प्रेमिका सविता कोल को भगाकर गांव ले गया था। यहां दोनों एक साथ रहने लगे थे। 21 सितंबर की रात अनिकेत ने सविता के पिता व परिजनों को सूचना दी कि बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई। दूसरी खबर, नागपुर में आगामी नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है और कई दल लोगों के कल्याण के लिए प्रचार का बिगुल फूंक रहे हैं। इसी कड़ी में पहली बाजी शिवसेना ने मारी है, साथ ही चुनाव के लिए यह पार्टी पूरी तरह तैयार दिखाई दे रही है। शिवसेना के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की हाल ही में हुई समीक्षा बैठक के बाद आज फिर एक बैठक बुलाई गई, जिसमें पश्चिम नागपुर से सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया और शिवसेना जिला अध्यक्ष प्रमोद मनमोड़े ने जनकार्य कर चुनाव का सामना और उन्होंने कहा, शिवसेना का जो कार्यकर्ता समाज सेवा कर रहा है वो उनके लिए खड़े हैं। जिला अध्यक्ष के सूचना पर शिवसेना संपर्क प्रमुख विधायक दुष्यंत चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में और शिवसेना नागपुर के नगर अध्यक्ष नितिन तिवारी के नेतृत्व में पश्चिम नागपुर के पदाधिकारी संजय गुप्ता ने 35 जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त चूल्हा वितरित करने और नेत्र जांच शिविर का आयोजन कर मुफ्त चश्मे वितरित किए जाने की बात संजय गुप्ता इन्होंने व्यक्त की। शिवसेना की यह बैठक बजाज नगर के सुजल सावजी होटल में हुई। बोलिए, मैं संजय गुप्ता पश्चिम नागपुर से। आज की जो मीटिंग रखी गई थी तो एक शिवसेना परिवार की तरह रखी गई थी कि एकजुट होकर अपन किसी भी संस्था को लेकर अगर चलना है तो पूरे परिवार को एकजुट होना पड़ेगा और इसके कारण जो आगे का जो चुनाव है उसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना, उसके बाद जो है गरीबों तक पहुंचना, उनकी सेवाएं करना, ये शिवसेना एक परिवार के सदस्य के तौर पर हमने ठाना है। आज उसी के उपलक्ष्य में एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें जिला प्रमुख भी जी थे, शहर प्रमुख भी जी थे, उप जिला प्रमुख भी थे। उन सबके सहमति से, उनके मार्गदर्शक से हमने 35 गैस सिलेंडर और सिकड़ी जो है गरीबों में जिनके पास कोई साधन नहीं है, लकड़ी के ऊपर खाना बनाते हैं, उनको हम बांटने का फैसला लिए। ये 2 तारीख को हम वो 35 परिवार को हम बांटेंगे, प्लस एक मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें दिवाली के बाद हम उस पर चलेंगे। हर प्रभाग में 50-50 चश्मे का वितरण किया जाएगा निःशुल्क में, और हमारे साथ साथ पूरे हमारे जो पदाधिकारी हैं पश्चिम नागपुर के, वो सब एकजुट होकर मिलकर हम ये काम करने जा रहे हैं। तीसरी खबर, वाहन सड़क पर रखकर यातायात को बाधा निर्माण करने वाले वाहन चालकों पर भंडारा पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस सूत्रों के अनुसार हर्षल मनोज राउत गोंदे खारी ने वाहन योगेश रामचंद्र खोबरागड़े आंबा टोला निवासी ने सिहोरा राज्य मार्ग पर रखकर आने जाने के लिए बाधा निर्माण की थी। घाट कुरोड़ा से रोहा मार्ग पर जेसीबी वाहन तेजी से चलाकर लोगों की जान को खतरा निर्माण करने वाले दीपक बलिराम बांडे पूछे रोहा पर मोहाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।